हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक ट्रिकी सम नंबर 7 करूंगा। 1 से लेकर 6 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो में लोड कर दिया है। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन है व्हाई एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं किसी भी नंबर पर अगर 0 पावर डालते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 पर अगर 0 डालें फिर भी 1 होता है। 9 पर डालें, 10 पर डालें, किसी नंबर पर अगर हम डालते हैं 0 तो वो 1 होता है। वो क्यों होता है तो इसका हम देखते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट जब सेम बेस को डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये सेम बेस है m, डिफरेंट पावर है m इंटू n, तो इसका रिजल्ट होता है x m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही x टू दी पावर m को डिवाइड करेंगे x टू दी पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं x m बाई x n। तो इसमें क्या होता है, x पावर क्या होता है, m माइनस n हो जाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, कोई भी नंबर लें, अगर 2 पर हम 0 डालें तो 0 कब होगा, जब सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करेंगे। तो 2 पर अगर हम 5 लेते हैं और इसको माइनस 5 करते हैं तो ये 0 हो गया। इसी तरह हम कुछ भी ले सकते हैं, 7 लेंगे तो माइनस 7 करेंगे, 10 लेंगे तो माइनस 10 करेंगे 0 लाने के लिए। अब 0, 2 पर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 पर 5 बाई 2 पर 5, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस n को लिख सकते हैं x पर पावर m और x पर पावर n, और यहाँ दोनों पावर सेम ही है तो ये हो गया। अब इसको करेंगे 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया। तो एक एग्जांपल ये हुआ, 2 पर अगर 0 है तो लास्ट मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर रूट 3 पर 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 पावर 7 माइनस 7। ठीक है, अब रूट 3 पर 0 को हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट 3 पावर 7 बाई रूट 3 पावर 7, ये कट कर 1 हो गया, तो ये भी हो गया 1। इसी तरह अगर हम ले तीसरा लें, कोई भी x पर पावर डालें 0 तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर m माइनस m, तभी 0 होगा, दूसरा नंबर डालने से 0 नहीं होगा। और x पर 0 इज इक्वल टू, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x m डिवाइडेड बाय x n m। ठीक है, ये भी कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर पर अगर हम 0 डालते हैं तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। कैसे, इसलिए कि 0 तभी आएगा जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो दोनों 1 अगर करते हैं तो वो हो जाता है नंबर पर पावर डिवाइडेड बाय नंबर पर पावर, कैंसिल होकर 1 हो जाता है। इसी तरह हो गया ये, इसका मतलब ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं 2 पर 0 इक्वल टू 9 पर 0 इक्वल टू 350 पर 0 इक्वल टू रूट 3 पर 0 इक्वल टू 2 रूट 5 पर पावर 0, ये सब कितना होगा, इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बट 0 के ऊपर पावर 0 होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यू विल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।